हेलो बच्चों, मैं संदीप सिंह फलसवाल आप सबका एडू प्राइड ऑनलाइन एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम एक और क्लास लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री की, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज। बेटा, दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज में, दिल्ली सल्तनत काल में कितनी डायनेस्टीज हैं? फाइव डायनेस्टीज हैं। तो फाइव डायनेस्टीज कौन कौन सी फाइव डायनेस्टीज हैं? फर्स्ट गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, सेकेंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी एंड फोर्थ सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ फिफ्थ कौन सी? लोदी डायनेस्टी। ओके, तो बेटा इनको याद करने के लिए एक बड़ी अच्छी ट्रिक बनाई गई है। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। बेटा विद टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड के साथ हमने ये ट्रिक डाली है। इसमें गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तो से तुगलक वंश एंड सांस से हो जाएगा सैयद वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ओके, तो ये डायनेस्टीज बड़ी आसानी से आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हो। बेटा अब की बार भी एसएससी सीजीएल में इसका सीक्वेंस पूछा गया था। ये वो लेसन है या वो टाइम पीरियड है जो सीक्वेंस वाइज हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत काल। इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूं, गुलाब खिले तो सांस लो। इसको विद ट्रिक विद टाइम आप इसको याद कर सकते हो। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आते हैं मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से रूलर्स हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। ये मेन मेन है बेटा, इनके बीच में थोड़े से हैं, लेकिन मेन मेन आपसे पूछेगा तो फर्स्ट कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड बलबन। ओके, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड आता है 1290 से 1320, खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी में मेन कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, फिर है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में 1320 से 1414 तक है। ओके, इसमें फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक। तो ये पूरे के पूरे इसमें रूलर होते हैं कंप्लीट। तो तुगलक डायनेस्टी में फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक एंड लास्ट रूलर कौन है? नासिरुद्दीन तुगलक। ओके, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में, तकरीबन 2 साल पहले क्वेश्चन आया कि तुगलक डायनेस्टी में लास्ट रूलर कौन है और उसका टाइम पीरियड बताओ। तो तुगलक डायनेस्टी में लास्ट रूलर है नासिरुद्दीन तुगलक। टाइम पीरियड उसका आता है 1414 तक लास्ट में, यानी 1388 से लेकर 1414 तक लास्ट टाइम पीरियड है तुगलक डायनेस्टी में नासिरुद्दीन तुगलक का। ओके, ये क्वेश्चन उसका सोल्व होता है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि तैमूर लंग ने अटैक किस तुगलक शासक के टाइम में किया था एंड समय कौन सा था, टाइम कौन सा था? तो समय था बच्चों 1398 में, 1398 में तैमूर लंग का अटैक होता है दिल्ली पर। उस समय तुगलक डायनेस्टी में राजा थे नासिरुद्दीन तुगलक। ओके, नेक्स्ट डायनेस्टी देखते हैं, 1414 से 1451 सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में दो मेन रूलर हैं, यानी फाउंडर हैं कौन से? खिज्र खां। फाउंडर कौन है? खिज्र खां एंड लास्ट कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। ओके, उसके बाद टाइम आता है लोदी डायनेस्टी। तो लोदी डायनेस्टी में टाइम पीरियड है 1451 टू 1526। ओके, यानी लोदी डायनेस्टी में जो रूलर्स हैं उनका कैसे सीक्वेंस आता है, तो देखिए आप, सबसे पहले आते हैं बहलोल लोदी, फिर आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो रियल नेम है वो रियल नेम है निजामु खान, निजाम खां। तो लास्ट कौन है? इब्राहिम लोदी। बेटा इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी इसमें मारे जाते हैं। तो ये
लोदी डायनेस्टी में। तो लोदी डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी है, ध्यान रखना, लोदी डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी है जो दिल्ली पर फर्स्ट अफगान वंश है, दिल्ली पर अफगान दिल्ली पर फर्स्ट अफगान वंश कौन सा? फर्स्ट अफगान वंश दिल्ली की गद्दी पर लोदी वंश। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिल्ली की गद्दी पर फर्स्ट अफगान रूलर कौन? तो दिल्ली की गद्दी पर फर्स्ट अफगान रूलर का नाम है बेटा बहलोल लोदी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। हमने एक ट्रिक आपके लिए और तैयार की है, जैसे कि डायनेस्टी तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, सीक्वेंस वाइज गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, एंड लो से लोदी वंश। अब इसके जो रूलर्स हैं, इनके जो राजा हैं, उनको आप कैसे सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं? तो उनका टाइम पीरियड भी हमने सीक्वेंस वाइज आपके लिए ट्रिक में तैयार किया है। जैसे कि देखते हैं, एक ट्रिक बनती है बड़ी अच्छी, कुतुब की मिस रजिया बनी, कुतुब की मिस रजिया बनी। इससे आप गुलाम वंश के जो रूलर्स हैं उसको इजीली याद कर सकते हो। ओके, जैसे कुतुब से कुतुबदीन ऐबक, कुतुब से क्या बना? कुतुबदीन ऐबक। मिस से इल्तुतमिस, तो इल्तुतमिस में लास्ट में मिस आता है, तो मिस से इल्तुतमिस। रजिया से रजिया सुल्ताना बनी, बनी से आता है बलबन। ओके, एंड खिलजी डायनेस्टी की ट्रिक कैसे देखते हैं, उसमें रूलर्स सीक्वेंस वाइज कैसे आते हैं? तो जलाल से जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी इसमें फाउंडर हैं। उसके बाद जो मेन जो टाइम पीरियड चलता है वो अलाउद्दीन खिलजी का चलता है, तो अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद मुबारक खिलजी। तो इसकी ट्रिक है, जलाल अलाउद्दीन ने मुबारक दी। फिर से मैं आपको दोहराता हूं, कुतुब की मिस रजिया बनी, जलाल अलाउद्दीन ने मुबारक दी, गम में मुंह फिराया नासिर ने, गम में मुंह फिराया नासिर ने, ख्वाबों का आलम था, ख्वाबों का आलम था, बहुत सख्त इब्राहिम भी था, बहुत सख्त इब्राहिम ही था। बेटा ये जो ट्रिक है आपके सामने, ये जबरदस्त ट्रिक है, आपको और कहीं ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो आप इसको जरूर एक बार चेक करके देखिए, या इससे आप कोई भी डायनेस्टी में, अपनी सल्तनत डायनेस्टी में आपको किसी भी सीक्वेंस के बारे में पता लगाना हो तो आप इसको आराम से पता लगा सकते हैं। जैसे स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से सीक्वेंस वाइज रूलर्स हैं तो आपके सामने हैं। एक बार मैं तुगलक डायनेस्टी के फिर से बता देता हूँ, गम में मुंह फिराया नासिर ने, गैसे गयासुद्दीन तुगलक, मुंह से मोहम्मद बिन तुगलक, फिराया फिराया से फिरोजा तुगलक, नासिर नासिर से नासरुद्दीन तुगलक, ख्वाबों से खिजर खान, आलम से अलाउद्दीन आलम शाह, बहुत से बहलोल लोदी, सख्त से सिकंदर लोदी, इब्राहिम से इब्राहिम लोदी। ये ट्रिक कंप्लीट हो जाती है। इसका मैंने आपके सामने यहां पर बना भी दिया है नेक्स्ट पेज पे, जैसे कि आप लोग देखोगे, ये देखिए, कुतुब से कुतुबदीन ऐबक, कुतुब से कुतुबदीन ऐबक, मिस से इल्तुतमिस। अब देखिए मिस इसमें आ गया, ऐसे ही इल्तुतमिस लास्ट में मिस आ रहा है, रजिया से रजिया, बनी से बलबन, कुतुब की मिस रजिया बनी, कुतुब से कुतुबदीन ऐबक, मिस से इल्तुतमिस, रजिया से रजिया सुल्ताना, बनी से बलबन। ये हो जाता है आपकी स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम गुलाम वंश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपकी आती है खिलजी डायनेस्टी। इसमें कुतुब की मिस रजिया बनी, जलाल अलाउद्दीन ने मुबारक दी, तो इसमें जलाल से क्या बना? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन से क्या बना? अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक से क्या बना? मुबारक खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी। एंड इसके बाद गम में मुंह फिराया नासिर ने, तो गम से गयासुद्दीन तुगलक, मुंह से मोहम्मद बिन तुगलक, फिराया से फिरोज शाह तुगलक, नासिर से नासरुद्दीन तुगलक। ओके, ख्वाबों का आलम था, तो ख्वाबों से ख से ख्वाबों और ख से ही खिजर खां, आलम से अलाउद्दीन आलम शाह। तो जैसे देख रहे हैं आप, इससे जो सेकंड वाली जो डायनेस्टी है वो खिलजी डायनेस्टी बनती है, खिलजी वंश। उसके बाद आती है गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर होते हैं, तुगलक डायनेस्टी।
तुगलक वंश, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश, उसके बाद लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश। तो एक बार फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से चैप्टर को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका सीक्वेंस वाइज आपसे क्वेश्चन आएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल में स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी एंड फिर लोधी डायनेस्टी। इनको याद करने की सीक्वेंस वाइज मैंने ट्रिक बता दी, गुलाब खिले तो सांस लो। ओके, आपके सामने टाइम पीरियड भी है, 1206 से 1290 गुलाम वंश, 1290 से 1320 खिलजी, 1320 से 1414 तुगलक वंश, 1414 से 1451 सैयद डायनेस्टी, और फिर 1451 से 1426 लोधी वंश। ओके, अब इनमें जो रूलर्स हैं उनको याद करने के लिए भी एक ट्रिक्स मैंने बनाई है आपके सामने। जैसे कि आप देख सकते हो, कुतुब की मिस रजिया बनी, जलाल अलाउद्दीन ने मुबारक दी, गम में मुंह फिराया नासिर ने, ख्वाबों का आलम था बहुत सख्त इब्राहिम भी था। इसमें भी आप सभी रूलर्स को सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं एक बार फिर से, कुतुब से कुतुबुद्दीन ऐबक, मिस से इल्तुतमिस, रजिया से रजिया, बनी से बलबन, जलाल से जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन से अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक से मुबारक खिलजी, गम से गयासुद्दीन तुगलक, मुंह से मोहम्मद बिन तुगलक, फिराह से फिरोजशाह तुगलक, नासिर से नासिरुद्दीन तुगलक, ख्वाबों से खिजर खान, आलम से अलाउद्दीन आलम शाह, बहुत से बहलोल लोधी, सख्त से सिकंदर लोधी, इब्राहिम से इब्राहिम लोधी। ओके, यहां पर इब्राहिम लोधी तक दिल्ली सल्तनत काल चलता है, इसके बाद इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी जाती है बाबर के द्वारा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1576। ओके, तो यहां से इब्राहिम लोधी की मृत्यु से भारत में मुगल डायनेस्टीज की शुरुआत हो जाती है। तो मैं आपको मुगल डायनेस्टीज का भी एक ऐसे ही सीक्वेंस वाइज ट्रिक के साथ आपके सामने एक चैप्टर लेके प्रस्तुत होता हूं बड़ा ही जल्द। एंड इसमें बेटा हमने अभी डिस्कस किया है इसका टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत काल का, अभी इसी चैप्टर को हमने डीपली भी करना है। तो एक बार फिर से आप हमारे साथ में जुड़ेंगे जिसमें हम इस चैप्टर को बड़ा ही डीपली करते हैं, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या क्या कार्य हैं, राजधानी कौन सी है, क्या कार्य किए, कैसे मृत्यु हुई, मकबरा कहां पर है, तो ये सब स्लेव डायनेस्टी में। ऐसे ही खिलजी डायनेस्टी में जैसे मेन कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के क्या क्या कार्य हैं, कौन से टैक्स हैं, कौन से कहां पर क्या वर्क किए, कौन इसका मुख्यमंत्री रहा, कौन सेनापति रहा। ऐसे ही तुगलक डायनेस्टी में फाउंडर कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, मेन कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन लोग इसको फिर भी पागल बादशाह कहते थे। तो ऐसे क्या कार्य इसने किए जिसके कारण ये पागल बादशाह कहलाया, तो ये सब चीजें जानने के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर आप देखिए दिल्ली सल्तनत काल का वेरी डीपली। तो इसके बाद में थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूं, सैयद डायनेस्टी में आपको करना है खिजर खां से स्टार्ट करके अलाउद्दीन आलम शाह से, लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी, बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर फर्स्ट अफगान रूलर। ओके, इसने क्या क्या काम किए। ऐसे ही सिकंदर लोधी जिसने आगरा की स्थापना की, तो सिकंदर के बारे में मेन पॉइंट। ऐसे ही इब्राहिम लोधी जो पानीपत के युद्ध में कैसे बाबर के साथ लड़ाई करते हुए मारा जाता है, तो इसके बारे में ये पूरे चैप्टर हमने बड़े डीपली करने हैं। अभी तो हम आपके सामने सिर्फ ये चैप्टर लेके आए थे ताकि आप इसकी सीक्वेंस वाइज ट्रिक के साथ विद टाइमिंग इसको लर्न कर सकें, याद कर सकें। ओके बेटा, तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं दिल्ली सल्तनत काल के में, और इसको थोड़ा सा और डीपली करेंगे। थैंक यू सो मच।